आजमगढ़ जनपद से जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के भीलमपुर गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें, भीलमपुर गांव में बसपा के अतरौलिया विधानसभा प्रभारी कन्हैया सिंह द्वारा अतरौलिया विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, सपा द्वारा जनाक्रोश यात्रा में जो भी भीड़ दिखी वह दूसरे विधानसभा के लोगों को बुलाकर भीड़ के हिस्से में शामिल की गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में अतरौलिया से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे द्वारा एक बड़ी हार मिलेगी। क्षेत्र की जनता पूरा मन बना चुकी है, वह विधानसभा चुनाव में सपा को अतरौलिया विधानसभा से विदा करने का बीड़ा उठा लिया है। इनके कार्यों से सपा कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश है। वह आक्रोशित कार्यकर्ता बसपा को मजबूती प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। अगर समीकरण देखा जाए तो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों का इलाज किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर सरोज पांडे एक बड़े चेहरे के रूप में भी जो सपा का किला ध्वस्त करने में कामयाब होंगे। इस बार ठाकुर ब्राह्मण मुस्लिम सभी लोग बसपा को वोट देकर डॉक्टर सरोज को विजयी घोषित करेंगे। क्षेत्र की जनता ने भी अपनी राय बसपा प्रत्याशी के पक्ष में रखी। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक कुछ चिन्हित लोगों के यहाँ जाते हैं, इस बार वही चिन्हित लोग उन्हें वोट देकर विधायक बनाएंगे। जब हम लोगों के बीच उन्हें आने में बेइज्जती महसूस होती है तो ऐसे विधायक की हमें आवश्यकता नहीं है। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम निखिपाल सिंह है जी, और मैं यहाँ इस वार्ड से, पहले ये ग्राम सभा थी तो उसके हिसाब से मैं BDC था यहाँ का, क्षेत्र पंचायत सदस्य था। अब तो ये बदलाव हो गया नगर पंचायत तो अब खैर वो सब चीज़ें बदल गई हैं। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो अभी तो सारी पार्टियों के कैंडिडेट क्लियर नहीं है, लेकिन तो दो कैंडिडेट फिलहाल, एक और बस बहुजन समाज पार्टी से दो कैंडिडेट, सपा और बसपा। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो फिलहाल स्थानीय विधायक जो हैं वो मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। जब तक आप सारे कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कैसे कह दें कि कौन अभी क्या है। लेकिन फिलहाल इनका जो इनके बैकग्राउंड है उस हिसाब से ये ठीक है, बैकग्राउंड से ऐसा है। मतलब सपा के पूर्व सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रहे होंगे, तो मुझे लगता है अभी मोह कहीं ना कहीं भंग नहीं हुआ आपका सपा से। और कल की भीड़ को देख करके कुछ आपके मन में कुछ बना होगा विचार, तो हम चाहते हैं क्या आप पक्ष में हैं, आपकी मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरी तरह से सपा में विलय कर लिए हैं, इस बार के लिए समर्थन तो है विधानसभा को लेकर के, इस पे आपकी क्या राय है? और अतरौलिया विधानसभा की सशक्त दावेदारी कौन कर रहा है, इन चीज़ों को आप बताइए बिट रोक और टोक के। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि मैं अपना परिचय भी बता दूं। हाँ, परिचय देते हैं। मैं कन्हैया सिंह, प्रसपा विधानसभा प्रभारी अतरौलिया। और जो आपने कहा कि कल इन्होंने एक पैदल मार्च निकाला था, जन आक्रोश यात्रा तो निकाला था इन्होंने, उस पर मेरा इतना ही कहना है, वो साइकिल इनकी पंचर हो गई। और साइकिल पंचर ही नहीं हो गई, वो मैंने कहा उसके साथ साथ ये 100 यात्रा इनकी निकल रही है। क्या साइकिल 17 में पंचर हुई, उसके बाद से इन्हें मिस्त्री नहीं मिला बनवाने के लिए? ये नहीं मिला मिस्त्री इनको, मिस्त्री इनके पास है ही नहीं है, रिपेयर कोई करने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये मिस्त्री इनके पास था ही नहीं, ना मिस्त्री इनके पास है। और इनकी साइकिल पंचर हो गई है इस बार विधानसभा के चुनाव में, एकदम आप समझ लीजिए कि फिर बदमाश काटने की समय आ गया है एकदम। अब इनको अब की बार कोई बचा ही नहीं सकता। आजमगढ़ जनपद में 10 विधानसभा सीटों में आप समझ लीजिए कि अतरौलिया विधानसभा समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर सीट है। यहाँ का प्रत्याशी वर्तमान विधायक कभी भी 5 साल क्षेत्र में न कभी आया, न कहीं गया, न कोई काम किया। विकास का काम कागज में हुआ होगा, हम नहीं कहते कि विकास इन्होंने किया या क्या किया, लेकिन कागज में जरूर हुआ होगा। इनका साम्राज्य बढ़ाने का अपना काम किया इन्होंने, इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और अभी शाहपुर में इन्होंने 20 बीघा जमीन लिया, और
वहाँ देवा रोड लखनऊ के पास इन्होंने पूरा एकदम प्लाट ही खरीदा है, 150 एकड़, 200-250 एकड़ के तादाद में लिया है। आजमगढ़ जहाँ ये रहते हैं वहाँ तमाम ज़मीनें इन्होंने अपना लिया है। मऊ में इनका साम्राज्य, दिल्ली में साम्राज्य और तमाम प्रदेशों में जगह जगह इनका साम्राज्य है। इसके अलावा कोई विकास का कार्य इनका दिखाई नहीं दिया। विकास कब है? अरे विकास